वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय यानी कि VBSP जौनपुर सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी अपडेट आ रहा है। चाहे कोई भी कोर्स कर रहे हों, BA BSc BCom MA MSc MCom BEd MEd VPed, सभी छात्रों के लिए ये अपडेट है। तो कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, साथ ही इस वीडियो को साथियों के पास शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि वे भी लगातार अपडेटेड रहें और हर अपडेट मिले, उनका भी एग्ज़ाम छूटने नहीं पावे। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, एक एक शेयर लगा दीजिएगा। और इसके अलावा अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके तुरंत ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको PDFs, इसके अलावा जो भी नोटिस आएगा सीधा शेयर किया जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल में बातों को समझते हैं, क्या बदलाव हुआ है, क्या आपको करना है। तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय से संबंध महाविद्यालयों के BEd प्रथम सेमेस्टर UG PG के छात्रों का संकट बढ़ गया है। तो यहाँ पर BEd वालों का भी और इसके अलावा जो UG PG के UG में खासतौर पर तो ये भी आते हैं BEd वाले भी, लेकिन इसमें कहने का मतलब और भी छात्र हैं। 7 अप्रैल से परीक्षा है और माइग्रेशन न जमा करने वाले छात्रों का विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रवेश पत्र रोक दिया है। मैंने ये जानकारी आपको सबसे पहले दिया था अपने चैनल के माध्यम से, बताया था कि देखिए इस बार हर रूल को बारीकी से देखा जा रहा है और उसको फॉलो कराया जा रहा है। जो नहीं कर रहे हैं उनका एडमिट कार्ड रोक दिया जाएगा और एडमिट कार्ड जब नहीं मिलेगा तो एग्ज़ाम आप किसी भी सूरत में नहीं दे पाएंगे। तो ये लेटेस्ट अपडेट अभी अभी निकल करके आ रहा है कि जिन्होंने अभी तक माइग्रेशन नहीं जमा किया है उनका एडमिट कार्ड रोक दिया गया है। फिर चाहे वो UG PG का कोई भी कोर्स कर रहे हों, इसका आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। अभी तक आपने जमा नहीं किया है तो तुरंत जमा करा लीजिए, क्योंकि 7 अप्रैल से एग्ज़ाम है, आपको माइग्रेशन जमा करने के बाद एडमिट कार्ड मिल भी सकता है, ठीक है। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके आगे आप देख सकते हैं अपडेट है और आगे देख सकते हैं कि विभिन्न विश्वविद्यालय से संबंध यानी कि अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके आ रहे हैं, स्नातक करने के बाद छात्रों ने UP BEd में दाखिला लिया था, तो खासतौर पर BEd वाले भी ध्यान रखें कि जब दूसरी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई करके आएंगे, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, एडमिशन लेंगे, तो आपको माइग्रेशन देना अनिवार्य होता है। अगर आप नहीं देंगे तो एग्ज़ाम आप नहीं दे पाएंगे, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। और ये सभी छात्रों के लिए लेटेस्ट अपडेट है, जिन्होंने भैया माइग्रेशन नहीं जमा किया तुरंत जमा कर लो, अभी एडमिट कार्ड मिल जाएगा और नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। यही लेटेस्ट अपडेट था, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, बने रहिए नया इन्फो के साथ।